धरती से बाहर अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने के सपने देख रहा इंसान चंदा मामा से बहुत उम्मीद लगाए बैठा है। अंतरिक्ष यात्रियों का मानना है कि स्पेस में लंबे समय तक बने रहने के लिए चांद पर खेती करना बहुत जरूरी है। अब इस दिशा में एक छोटा सा कदम उठाते हुए वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की मिट्टी में एक पौधे को उगाने में सफलता हासिल की है। इस मिट्टी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो मिशन के दौरान लाया गया था। इस शानदार सफलता से अब अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने का सपना साकार होता दिख रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने नासा के अपोलो 11, 12 और 17 मिशनों के दौरान इकट्ठा की गई चंद्रमा की मिट्टी में ये पौधे उगाए हैं। इस सफलता से अब इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि भविष्य में अंतरिक्ष मिशन के दौरान पौधे चंद्रमा की सतह पर पैदा हो सकते हैं, साथ ही इंसान चंदा मामा के घर पर एक बस्ती भी बसा सकेगा। इस शोध के एक लेखक रॉब फेल्ड ने कहा, भविष्य में लंबे स्पेस मिशन के लिए हम चंद्रमा को एक हब या लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉब ने कहा कि यह समझदारी भरा होगा कि हम चंद्रमा पर मौजूद मिट्टी का इस्तेमाल वहां पौधे उगाने के लिए करें। इससे पहले भी रिसर्च में चंद्रमा की मिट्टी का इस्तेमाल जीवों आदि के लिए किया गया था, लेकिन उन पर पौधे नहीं उगाए गए थे। प्रोफेसर रॉब ने बताया कि जब आप चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाते हैं तो क्या होता है। इसका पता लगाने के लिए टीम ने थाले क्रिस के बीच चंद्रमा की मिट्टी में उगाए। इसमें पानी, पोषक तत्व और प्रकाश दिया गया और फिर यह पौधा उगाया। इस टीम के पास केवल 12 ग्राम ही चंद्रमा की मिट्टी थी जिसे नासा ने दिया था। इतनी कम मिट्टी की वजह से वैज्ञानिकों ने छोटे से बर्तन में इसे उगाना पड़ा। वैज्ञानिकों ने थाले क्रिस के बीच को इसलिए चुना क्योंकि इसका जेनेटिक कोड पूरी तरह से मैप किया जा चुका है। इसको तुलना करने के लिए वैज्ञानिकों ने धरती से ली गई मिट्टी में भी इसे उगाया। वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना उस समय नहीं रहा जब चंद्रमा की मिट्टी में डाले गए सभी बीज अंकुरित हो गए। एक अन्य लेखक अन्ना ने कहा, हम इसे देखकर हक्का बक्का रह गए, हमने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इससे पता चलता है कि चंद्रमा की मिट्टी अंकुरण में बाधा नहीं डालती है। हालांकि वैज्ञानिकों को चांद की मिट्टी और नियंत्रित वातावरण में रखी मिट्टी में पैदा हुए पौधे में कोई अंतर देखने को नहीं मिला।